2008 26 नवंबर को क्या हुआ था? There was a terror attack in Mumbai. Right? There's a book called The Greatest Company in the World by Peter Casey. और उस बुक में पीटर केसी लिखते हैं कि रतन टाटा से उनकी बातचीत चल रही थी. And he gives the statistics. He says, जिस दिन अटैक हुआ ताज में मुंबई में, 600 लोग उस दिन होटल में खाना खा रहे थे. They were dining out. 500 लोग उस होटल में ठहरे हुए थे. कितने हो गए? 1100. और 600 लोगों का उनका स्टाफ था. कितने हो गए? 1700 लोग. तो 1700 लोग उस होटल में थे जब ये टेररिस्ट ने उस होटल में अटैक किया. Now listen to this very carefully. उन 1700 लोगों में से 600 लोगों को ही मालूम था कि बैक डोर एग्जिट कौन सा है. कौन थे ये लोग? स्टाफ के. ये एक बात होगी. दूसरी बात, टाटास की एक वैल्यू है कि उनके होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, टाटास जो है वो हायर टियर टू एंड टियर थ्री सिटीज, मतलब शोलापुर, इचलकरंजी, सांगली, ऐसे शहरों से ये लोग लोगों को सिलेक्ट करते हैं होटल मैनेजमेंट से. सेकेंड उनकी पॉलिसी है, दे सेलेक्ट पीपल हु आर द ओनली ब्रेड अर्नर्स इन द फैमिली. जिससे भी तेरे परिवार का ध्यान हमारा होटल रखेगा, हम रखेंगे. देखो नियत कितनी अच्छी है. तो ये वो बच्चे हैं जो होटल में काम कर रहे हैं. 600-700 लोग हैं ये, 600 पीपल. दे कम फ्रॉम फैमिलीज वेयर दे आर द ओनली ब्रेड विनर्स. सेकेंड, दे नो द एग्जिट रूट. थर्ड, नॉट अ सिंगल वन एस्केप्स. समझ रहे? एक भी इंसान भागता नहीं है. उस हादसे में 34 या 35 लोग की डेथ हुई. उसमें से 15 लोग उनके स्टाफ के थे. जो करमवीर सिंह उनके जो वो थे, जीएम थे, उनकी वाइफ और उनकी बच्ची की भी डेथ हो गई. एंड उनकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि ही वॉज बिजी सेविंग द गेस्ट्स. एक शेफ है जो शेफ खड़ा हो गया टेरेस के सामने और उसने पीछे सारे गेस्ट जो थे, जो डाइनिंग करने आए थे, उनको बचा के रखा. तो ये कहानियां हैं ताज की. तो ये पीटर केसी बैठते हैं इनके साथ, ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं. एंड देयर ही इज आस्किंग मिस्टर टाटा कि टाटा साहब बताइए, ये आपने क्या सिखाया जिसकी वजह से आपकी टीम ने ऐसा बिहेव किया? हाउ एंड व्हाई दे बिहेव लाइक दिस? तो रतन टाटा बोलते हैं, हाउ कैन एवर प्रिपेयर अ मैनुअल फॉर सच एन इंसिडेंट? यू आर इन टू हॉस्पिटैलिटी, तो आपकी मैनुअल क्या होगी भाई? गेस्ट का कैसे ख्याल रखना है, आपने उनको वेलकम कैसे करना है, कैसे उनको मील्स देने हैं, इसकी मैनुअल बन सकती है ना. वी आर नॉट इनटू फायर, इनटू वी आर नॉट पुलिस फोर्स, वी आर नॉट अ मिलिट्री फोर्स, वेयर हमारी मैनुअल बताएगी कि टेररिस्ट का सामना कैसे करना है. हाउ कुड यू एवर इमेजिन कि ऐसा कुछ हो सकता है? सो देयर इज नो मैनुअल. आई हैव नेवर स्पोकन, नीदर हैज एनीबॉडी स्पोकन टू माय टीम कि कैसे इस सिचुएशन में हैंडल करना चाहिए. तो वो कहते नहीं, फिर इन्होंने ऐसा कैसे बिहेव किया, ये भागे क्यों नहीं, ये तो अपने परिवार के इकलौते बच्चे थे. तो कहते हैं द कल्चर विच वी हैव, मे बी, बड़े हम्बल है टाटा साहब, कहते हैं मे बी जो हमारे कंपनी का कल्चर है. और कल्चर क्या है? उनका एक वैल्यू है उनके होटल में, एंड वैल्यू सेज यू आर द गेस्ट, यू आर द एम्बेसडर ऑफ द गेस्ट. यू आर द एम्बेसडर ऑफ द गेस्ट. एम्बेसडर मतलब राजदूत. राजदूत मतलब अगर कोई राजदूत है किसी देश का कहीं पर, अगर हमारे यहां राजदूत है पाकिस्तान का, तो किसकी बात करेगा राजदूत? पाकिस्तान की. अगर हमारा राजदूत पाकिस्तान में, तो किसकी बात करेगा? हिंदुस्तान की. Am I right? So, वो राजदूत का काम है, एम्बेसडर का काम है अपने गेस्ट, अपने देश की बात करना. तो वो बोलते हैं हमारे सारे टीम मेंबर्स को ये ठोक ठोक के डाला गया है, तुम एम्बेसडर हो, तुम राजदूत हो उस गेस्ट के. तो जैसे वो गेस्ट आता है, चेक इन करता है, तुम उसके बन जाते हो और तुम लड़ते हो किससे? होटल से. मेरे गेस्ट को ये सर्विस मिलनी चाहिए. आप होटल के होने के बाद भी होटल से लड़ते हो कि मेरे गेस्ट को सर्विस मिलनी चाहिए. कैन यू अंडरस्टैंड द कल्चर? तो आज आप राजदूत हो और किसकी जान खतरे में है? आप जिसके राजदूत हो उसकी, उसको छोड़ के कैसे जाओगे? तो मुश्किल समय में वैल्यूज समझ में आती हैं. जब समय अच्छा चल रहा होता है तो काहे के कल्चर, काहे के संस्कार? संस्कारों का सही टेस्ट होता है जब मुश्किल आती है.